छठा नंबर हम लोग चले और तब हम देखेंगे एमसीक्यू में कितने बच्चे अच्छा कर पाते हैं। लास्ट पेज है, यह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र। देखिए अब इसके बाद एमसीक्यू बनाओगे और उसमें आपका दिमाग एकदम फिट हो जाएगा कि एकदम सही होगी। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक नई थ्योरी आया, नीलामी व्यवस्था में सुधार कैसे हो। नीलामी व्यवस्था में सुधार के लिए सिद्धांत दिया गया और इसी के कारण इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इकोनॉमिक्स में किस काम के लिए दिया गया, तो नीलामी व्यवस्था में सुधार के लिए इकोनॉमिक्स में प्रदान किया गया। इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं? तो एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट विल्सन। ये अमेरिका के हैं, दोनों ही अमेरिका के हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक व्यक्ति है रॉबर्ट विल्सन और दूसरे व्यक्ति है पॉल मिलग्रोम। ये भी अमेरिका के ही है। और इन दोनों व्यक्ति को किस लिए दिया गया, हमने अभी बताया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया गया। देखो अब इसमें ध्यान कैसे रखना, जब हम कहें अर्थ, अर्थ माने रुपया, और रुपया के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो बेटा है, सन माने बेटा है, वो मिल गया, मिल गया है, तो बेटा मिल गया है तो रुपया आएगा ही नीलामी व्यवस्था में सुधार। जैसे ही आपको कहेगा बिल्सन तो आप कहेगा कि सन माने बेटा, मिल गया तो ये रुपया देगा इकोनॉमिक्स में, बेटा मिल गया। मिल गया से मिल ग्रोम दिमाग में सेट रखेंगे, मिल गया से मिल ग्रोम आप दिमाग में सेट रखेंगे। तो मिल ग्रोम जैसे ही आप सेट किए तो आपको समझ में आ गया कि मिल गया, मिल ग्रोम और बिल्सन, सन ये इकोनॉमिक्स हो। अब आपका यहां से हम लोग एक दो फैक्ट आपको थोड़ा सा चल दे जो परमानेंट रहता है, तीन चार चीज सुन लीजिए। सबसे कम उम्र में किसे नोबेल प्राइज मिला, सबसे अधिक उम्र में किसे मिला। आजकल थोड़ा ए वाला पार्ट चलेगा, अधिक वाला चूंकि बहुत लेटेस्ट है इसीलिए, और कम वाला में महिला है इसीलिए इनका भी पुस्तक।